किंग कोहली से डरी हुई है ग्रीन आर्मी। T20 वर्ल्ड कप में कोहली को रोकने की कर रहे तैयारी। कोहली की विराट पारी को रोकने का हो गया है प्लान तैयार। बाबर ने बता दिया कैसे करेंगे वार। पाक किंग ने निकाल लिया है किंग कोहली से निपटने का तरीका। पाक टीम अब मौके पर मारेगी चौका। T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट के लिए फिलहाल तो ग्रीन आर्मी के स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि दस्तूर है पाक टीम ने टीम इंडिया को रोकने का प्लान तैयार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप का आगाज भले ही जून महीने में होगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी से ही भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर खौफ जदा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये तो ग्रीन आर्मी को ही पता है कि किंग कोहली ने उन्हें कैसे कैसे जख्म दिए। पिछले T20 वर्ल्ड कप की भी यादें अभी पाकिस्तान को ताजा होंगी, जब किंग कोहली ने पाकिस्तान के हलक से जीत छीन ली थी। आज भी पाकिस्तानी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि भला विराट ऐसा कैसे कर सकते। लेकिन किंग कोहली ऐसे ही तो किंग नहीं कहलाए जाते। कोहली ने हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ खूब रन बनाए हैं और बड़े स्टेज पर तो वो और भी घातक साबित होते हैं। ऐसे में जाहिर है कि पाक टीम के कप्तान बाबर आजम को भी किंग कोहली का खौफ सता रहा है। हालांकि बाबर उन्हें रोकने के लिए एक खास प्लान भी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 9 जून को पाकिस्तानी टीम की भिड़ंत टीम इंडिया से होने वाली है। यह मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ 10 मई से शुरू होने वाली T20 सीरीज से पहले बाबर ने मैदान पर कोहली के इंपैक्ट को बेअसर करने के लिए एक बड़ा गेम प्लान तैयार करने पर जोर दिया। गौरतलब है कि विराट ने पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने मेलबर्न में 53 गेंदों पर नाबाद 82 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले थे। अब कोहली ऐसा परफॉर्मेंस दोबारा न दोहराएं, इसके लिए पाक किंग तैयारियों में जुट गए। सोमवार को डबलिन में मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बाबर ने कहा कि टीम किसी एक खास खिलाड़ी के खिलाफ प्लानिंग नहीं बना रही, लेकिन उनकी टीम कोहली के खिलाफ जरूर प्लानिंग करेगी। बाबर ने विराट को दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक कहा है। टीम इंडिया 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी, वहीं पाकिस्तान की टीम फाइनल मैच में इंग्लैंड से हारी थी। भले ही टीम इंडिया का सफर 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया था, लेकिन उस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी जरूर दी थी। वहीं अपनी खास प्लानिंग पर बाबर ने कहा, एक टीम के तौर पर आप हमेशा अलग अलग टीमों के खिलाफ और उनकी ताकत के मुताबिक प्लानिंग करते हैं। हम एक प्लेयर के खिलाफ कुछ भी प्लानिंग नहीं करते हैं, हम सभी 11 प्लेयर्स के लिए प्लानिंग करते हैं। हमें न्यूयॉर्क की कंडीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और हम उसी के मुताबिक प्लानिंग करेंगे। जहाँ तक विराट कोहली का सवाल है तो वो बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है और हम उनके खिलाफ भी प्लानिंग करेंगे। तो सुना आपने, भले ही बाबर 11 खिलाड़ियों के खिलाफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किंग कोहली का खौफ साफ तौर पर सता रहा है। तभी तो ये भी कह दिया कि वो कोहली से निपटने की भी तैयारी करेंगे। इसकी वजह भी है क्योंकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का पाकिस्तानी टीम के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो ये साफ हो जाएगा। विराट कोहली ने 10 मुकाबलों में 81.33 की शानदार एवरेज से 488 रन बनाए। कोहली की कंसिस्टेंसी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रही है। उन्होंने 5 अर्धशतक इस टीम के खिलाफ लगाए हैं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में है। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से होगा, वहीं पाकिस्तान की टीम 6 जून को अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले ही बाबर को किंग कोहली का खौफ सताने लगा है और आंकड़े इसकी गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।